चौथी है और उसका नक्शा है, तो इसी में आप लोग ले लीजिएगा। और इसमें कोई भी दिक्कत होगा, त्रुटि होगा या कोई भी समस्या होगा इससे, तो आप हमको 10 दिन के अंदर सभापति में फॉर्म हमको दे दीजिएगा। मैं स्लेटर शिविर में आ जाइएगा और वहाँ आके अपना केवाला या कोई भी साथ में लेके प्रमाण चले आइएगा मैं स्लेटा में, और वहाँ पे आप लोग दावा पत्र कीजिएगा। जिसका भी जमीन जागीर पूरन सिंह में उसके लिए, लाखों जन में जिसका जमीन है या घर है उसके लिए नहीं, ठीक है। तो वहाँ आके दावा पत्र कीजिएगा। दावा पत्र के समय सिर्फ 10 दिन है, 10 दिन के बाद आप लोग दावा पत्र नहीं कर सकते या कोई भी दिक्कत होगा तो 10 दिन के अंदर ही आप लोग इसका प्रॉब्लम रखिएगा तो आपका समाधान होगा। 10 दिन के बाद हो जाएगा तो फिर यहाँ प्रॉब्लम जो है सुनवाई से नहीं हो पाएगा। ये आप लोग को जो बांट रहा है ना, उसमें आप लोग अपना चेक कर लीजिए, जो सही है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं सही है तो 10 दिन के अंदर आके रिपोर्ट कर दीजिए, जो समस्या बोल दीजिए ताकि कोई समस्या आगे रखी नहीं हो जाए। उसी को दावा आपत्ति कर रहे हैं, तो दावा तो सही है ना, कर दीजिएगा, ये पूरा गाँव में खबर फैला दीजिए, एक भी बंधु नहीं छूटना चाहिए, पूरन सिंह सब लोग ये खबर फैला दीजिए, जो समस्या है रिपोर्ट कर देंगे ना 15 दिन के बाद दिक्कत हो जाएगा। मौका आप लोगों को दिया जा रहा है, पहले के सरकार में एलपीएम नहीं पड़ता था, कि सर्वे में पहली बार एलपीएम लाया गया है, बस इसलिए कि कोई गलती ना हो जाए। तो आप लोगों को मौका है और पूरा संतुष्ट होके अपना कंप्लेन लेके आइएगा और हम लोग रिजॉल्व कर देंगे समस्या, इसीलिए बात कर रहे हैं। बोलो, इसमें अपना अपना सब चेक कर लीजिएगा, नक्शा, चौहद्दी, रकबा, नाम, पता और जाति, पिता का नाम सब देख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आएगा, किसी में गलती रहेगा तो आप हमारे डेटा आके रिपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अपना कोई साक्ष ले दीजिएगा, नाम में गलती है तो आधार कार्ड लेते आइएगा, मान लीजिए रकड़ा हुआ में गलती है तो अपना केवाला है जो खदियान हो खदियान अपना लेते आइएगा, ठीक है। मतलब आप लोग अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेके ही पहुँचेगा, जो कागज नहीं जमा किया है उसका, जिसका जिसका कागज नहीं जमा हुआ है वो भी अगले हफ्ता जो रिपोर्ट कर दीजिएगा, लेके आइएगा कागज और वहाँ एक फॉर्म मिलेगा दावा पत्र का, उसको फाड़ के मैच लेटर में, ठीक है।